बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन कोर्स कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। टुडेज टॉपिक इज सिंपल सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर एंड वी विल डिस्कस द लेक्चर नंबर 8 टुडे। द मेन टॉपिक्स विच वी विल डिस्कस टुडे आर द फर्स्ट एंड द फर्स्ट सेट्स। फर्दर वी विल डिस्कस द लेफ्ट रिकर्जन एंड द लेफ्ट फैक्टरिंग एंड बेसिकली दीज आर द major topics which are under consideration today, and simply these belong to the grammars. After that we will discuss the major topics that will be the translator for simple expressions, and further a brief look on the lexical analyzer and what are the basic roles of a lexical analyzer. Further, we will discuss briefly about the stack manipulation, how it can be done, how an expression can be evaluated or can be expressed by using the stack. इसी के ऊपर हमारी बात चल रही है। हम चैप्टर नंबर 2 जो ड्रैगन बुक का है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम पार्ट 1, 2, 3 के अंदर जो है इसमें हम सेंटेक्स डेफिनेशन जो है, इसी तरह सेंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन और पार्सिंग का प्रोसेस जो है उसको हम काफी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रांसलेटर फॉर सिंपल एक्सप्रेशंस की बात करेंगे और द लेक्सिकल एनालाइजर की बात करेंगे। ये बात पहले भी हो चुकी है कि चैप्टर नंबर 2 इज बेसिकली रिलेटेड टू द फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर। इन फ्रंट एंड वी हैव द लेक्सिकल एनालाइजर, द सिंटैक्स एनालाइजर एंड द सिमेंटिक एनालाइजर, एंड द आउटपुट ऑफ फ्रंट एंड इज सिंपली द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। सो हम इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने चैप्टर 4 के अंदर सिंटैक्स से रिलेटेड जो है उनको डिस्कस करना है, बट जस्ट टू गेट लिटिल बिट आइडिया वी आर डिस्कसिंग हेयर द बेसिक टर्म्स, द बेसिक डेफिनेशंस आर द बेसिक टाइप ऑफ ग्रामर्स विच वी विल यूज इन चैप्टर नंबर 4। सो हम देखते हैं इसमें, ये पहले भी हमारी बात हुई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, एंड दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग। के जिस तरह हमारे पास इस केस में एक ग्रामर गिवन है, एज यू कैन सी हियर दिस इज ए ग्रामर एंड इट हैज टू नॉन टर्मिनल प्रोडक्शंस। सो वन इज द स्टेटमेंट एंड अदर वन इज द ऑप्शनल एक्सप्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेटमेंट दैट इज अ नॉन टर्मिनल कैन बी रिप्लेस्ड एंड इट कैन प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस बॉडी। वन इज रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन सेमीकोलन, सेकंड वन इज द इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, थर्ड वन इज द फॉर विद पैरामीटर्स ऑप्शनल एक्सप्रेशन सेमीकोलन, ऑप्शनल एक्सप्रेशन सेमीकोलन एंड ऑप्शनल एक्सप्रेशन। सो बेसिकली 3 पैरामीटर्स हेयर एंड आफ्टर दैट द स्टेटमेंट एंड सिमिलर एंड द अदर। सो आई हैव discussed earlier that this is not a complete grammar related to the process of expressions. So basically it's a subset of statements that will belong from this grammar. तो हम इसके ऊपर जो है हम इसको with the time being जो है हम इसमें improvement करते चले जाएंगे, हम इसमें enhancement करते चले जाएंगे और हम एक mature type की grammar और mature type का parser जो है वो हम generate करेंगे। लेकिन हम अपने concepts को mature करने के लिए यहाँ पे जो है वो simple expressions के through और simple grammars के through जो है वो idea लेना चाहते हैं कि basically grammar का role क्या है और grammar को कैसे design किया जा सकता है और further हमारे पास जो है वो parsing process जो है वो किस तरह से इस grammar के साथ जो है वो help out करता है in order to construct the tree। इसी तरह हमारे पास ऑप्शनल एक्सप्रेशन विच इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनल एंड इट हैज टू प्रोडक्शन बॉडीज, वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग एंड द अदर वन इज द एक्सप्रेशन। सो दीज आर द की पॉइंट्स एंड वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। इन जनरल द सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्शन फॉर ए नॉन टर्मिनल मे इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर, दैट इज we may have to try a production and backtrack to try another production if the first is found to be unsuitable. Isme kuch points hain and we have to be very careful about them. Number one point is trial and error and second one is the backtrack and number 3 is the unsuitable. To ye kuch main points hain. What is trial and error?
हमने ये बात की थी कि अगर इस प्रोडक्शन में आप देखें स्टेटमेंट विच इज अ नॉन टर्मिनल एंड इफ वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स लाइक दैट के फॉर से स्टार्ट होने वाले टू डिफरेंट आपके पास यहां पे प्रोडक्शन रूल होते या टू डिफरेंट प्रोडक्शन रूल होते जो इफ के साथ स्टार्ट होते हैं और जारी बात है कि सेम प्रोडक्शन रूल आप टू टाइम नहीं लिख सकते तो उसमें चेंज होती। जिस तरह अगर हम ये यहां पे कहें कि इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और एक और प्रोडक्शन हम यहां पे यूज करते इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट आई मीन एल्स केस के लिए भी हम उसको वहां पे राइट करते। सो इन दैट पार्टिकुलर केस वी हैव टू डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडीज एंड बोथ हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। So we have to decide correctly whether to choose which one production. तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए क्योंकि अगर आप first को choose करते first production को choose करते जिस तरह हम कहते हैं कि if expression statement को pick करते और आपका जो remaining code है या program है या उसकी statement है वो actual में else statement वाली if condition के साथ होती तो उस case में आपको अगेन इस प्रोडक्शन को यूज करने के बाद आपको पता चलता है कि यहां से आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि आपने रॉन्ग प्रोडक्शन जो है वो उसको पिक किया है। सो यू हैव टू बैक ट्रैक। सो इट मीन दिस इज ट्रायल एंड एरर कि आपने एक प्रोडक्शन को पिक किया है वहां पे आपको एरर फेस करना पड़ा है और उसके साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा वहां से यू हैव टू बैक ट्रैक मीन आप वो प्रोडक्शन जितनी भी यूज कर चुके हैं उसके प्रोसेस को आप जो है वो बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो सूटेबल नहीं थी। तो इसलिए अब आप सूटेबल प्रोडक्शन जो है उसको देखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। सो अगेन इन जनरल द सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्शन फॉर ए नॉन टर्मिनल लाइक दैट इन हेयर इन स्टेटमेंट मे इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर दैट इज वी मे हैव टू ट्राई अ प्रोडक्शन एंड बैक ट्रैक टू ट्राई अनदर प्रोडक्शन इफ द फर्स्ट इज फाउंड टू बी अनसूटेबल। प्रोडक्शन इज अनसूटेबल इफ आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्शन वी कैन नॉट कंप्लीट द ट्री टू मैच द इनपुट स्ट्रिंग। तो ये बात प्रोडक्शन कब अनसूटेबल होती है कि अगर हम उस प्रोडक्शन को पार्टिकुलर प्रोडक्शन को यूज करें और उसको यूज करने के बाद जो है वो हम अपनी ट्री कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीटली डिजाइन ना कर पाए अकॉर्डिंग टू आवर गिवन इनपुट स्ट्रिंग। सो इट मीन देर इज सम प्रॉब्लम एंड देर इज सम प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग a non-suitable production. So a special case of parsing, namely the predictive parsing, does not need backtracking. तो basically चूंकि ये एक problem है अब हम इस problem को resolve करना चाहेंगे so in order to resolve this issue we have to go into a special form of parsing that is known as the predictive parsing and basically the predictive parsing is a type of top-down parsing. अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम इन डिटेल देखेंगे कि पार्सिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं जिसमें मेजर दो कैटेगरीज हैं टॉप डाउन और बॉटम अप और फिर टॉप डाउन और बॉटम अप को फिर आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट टाइप की पार्सिंग्स के अंदर। सो प्रेडिक्टिव पार्सिंग इज अ टाइप ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग। इसको डिस्कस करने का पर्पस ये है ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करके गए थे क्योंकि अब हमने इसी को आगे यूटिलाइज करना है तो इसलिए हम चाह रहे थे कि आप जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए ताकि हम ज्यादा बेहतर तौर से अपने इस लेक्चर को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। सो व्हाट इज प्रेडिक्टिव पार्सिंग द रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग इज अ टॉप डाउन पार्सिंग मेथड एंड सिंपली every non-terminal has one recursive procedure responsible for parsing the non-terminal syntactic category of input tokens. तो इसमें हमने बात की थी कि हर non-terminal जो grammar के अंदर exist करता है उसके लिए उसकी body के लिए आप क्या करते हैं एक procedure design करते हैं mean हर एक non-terminal के लिए एक recursive procedure जो है वो आप उसको design करते हैं ताकि आप उसका नॉन टर्मिनल का जो बिहेवियर है कि वो इनपुट के अगेंस्ट क्या पॉसिबल है वो आप उसमें बता सकें। सो व्हेन अ नॉन टर्मिनल हैज मल्टीपल प्रोडक्शन लाइक दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस एग्जांपल वी हैव स्टेटमेंट नॉन टर्मिनल एंड इट हैज फोर डिफरेंट प्रोडक्शंस सो ईच प्रोडक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन अ ब्रांच ऑफ ए सिलेक्शन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इनपुट लुक अहेड इन्फॉर्मेशन। सो प्रीवियस लेक्चर के बिल्कुल एंड में ये डिस्कशन हुई थी वहां पे हमने इसको एग्जाम्प्लीफाई भी किया था
कि जहां पे हमने स्विच स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने ऑपरेटर्स या टोकन्स को चेक किया था और उनके अकॉर्डिंग जो है वो उनके जो बॉडीज हैं उनको हमने वहां पे राइट किया था. सो यू हैव टू कंसल्ट इन प्रीवियस लेक्चर्स, एट द एंड ऑफ प्रीवियस लेक्चर वहां से आपको इसका आइडिया जो है वो अगेन आप वहां से रिपीट कर सकते हैं. सो प्रेडिक्टिव पार्सिंग इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, ओके, वेयर वी यूज वन लुक अहेड ऑफन टोकन टू अनएम्बिगुअसली डिटरमाइन द पार्स ऑपरेशंस. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग एंड दिस कम्स अंडर द डोमेन और अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग. इसमें हमारे पास क्वालिटी क्या है कि इसमें आप वन लुक अहेड ऑपरेटर को यूज करते हैं, टोकन को यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपको बैक ट्रैक फ्री ये हमारे पास जो है वो पार्सिंग का प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें बैक ट्रैक का इशू नहीं आता. और बैक ट्रैक ना आने की रीजन ये है कि आप उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग्स हैं, प्री प्रोसेसिंग्स हैं जो आप अप्लाई कर देते हैं अपनी ग्रामर के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पास जो इशू है बैक ट्रैकिंग का वो रिजॉल्व हो जाता है. अब वो कैसे हम बैक ट्रैकिंग का इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स को देखना पड़ेगा. वो कंसेप्ट्स क्या हैं, व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट आर द फर्स्ट सेट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज द लेफ्ट रिकर्जन एंड फर्दर द लेफ्ट फैक्टरिंग. तो ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो कंसेप्ट्स हैं कि जिनको अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा जो कंसेप्ट है प्रेडिक्टिव पार्सिंग का वो मैच्योर हो जाता है और हम उसमें बैक ट्रैक फ्री जो है वो ग्रामर उसमें डिजाइन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस जो है वो बैक ट्रैक फ्री हो सकता है. सो व्हाट इज फर्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ अल्फा इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट अपीयर एज द फर्स्ट सिंबल्स ऑफ वन आर मोर स्ट्रिंग्स जनरेटेड फ्रॉम अल्फा. अल्फा कैन बी anything, alpha simply can be basically a non-terminal, simply it can be a terminal, ये कोई भी symbol यहाँ पे आपका हो सकता है. First of alpha is the set of terminals, के इसके set में जो चीजें आएंगी वो बहरहाल terminals होंगे, that appear as the first symbol of one or more strings generated from alpha, के उस alpha से जो कि terminal या non-terminal कुछ भी हो सकता है उससे जब ये जनरेट हो सकती हैं तो पॉसिबल, वैसे तो ये नॉन टर्मिनल ही हम इसको कंसिडर करेंगे, तो उससे जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं वो हमारे पास फर्स्ट कंसिडर होंगी. इसको एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं. वी हैव टू डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स, वन इज टाइप एंड इट हैज थ्री डिफरेंट प्रोडक्शंस. वन इज सिंपल, दैट इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनल बिकॉज वी हैव अ रूल हेयर अबाउट सिंपल, दैट इज अ नॉन टर्मिनल. एंड फर्दर नंबर टू, दिस इज अ सिंबल विद आई डी एंड वी कैन से दैट दिस सिंबल इज जस्ट टू प्रोवाइड अ रेफरेंस. नंबर थ्री, array and with index the simple of type. Again we have simple, that is a non-terminal and it has three different production bodies. One is consisting of only integer, the second one consists of only char, third one consists of three terminal symbols, one is num, second one is dot dot and third one is num. तो इस तरह ये हमारे पास एक given grammar है और अब हम ये चाह रहे हैं कि अब हम इसमें फर्स्ट को फाइंड करें. सो वी आर फाइंडिंग फर्स्ट ऑफ सिंपल, फर्स्ट ऑफ दिस सिंबल विद आईडी एंड फर्स्ट ऑफ टाइप. तो ये डिस्कशन हमारी पहले भी हो चुकी है, ये हम बार बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो आपको बोल्ड फेसेस के अंदर नजर आ रहे हैं, टोकन्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली टर्मिनल्स हैं आपके. जिस तरह इसमें आपको आईडी नजर आ रहा है, एरे है, ऑफ है, या ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और एंड है, इंटीजर है, चार है, और इसी तरह नम डॉट डॉट नम है. और जो आपको नॉर्मल फेस के साथ जो आपको यहाँ पे टर्म्स नजर आ रही हैं, जिस तरह सिंपल है या ये सिंबल है और इसी तरह टाइप है आपके पास, ये तमाम जो है वो नॉन टर्मिनल कंसिडर होते हैं. सो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ सिंपल, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ दिस सिंबल दैट इज अ रेफरेंस सिंबल विद आईडी एंड यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ टाइप. तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम बता रहे हैं कि जब फर्स्ट ऑफ सिंपल फाइंड करेंगे
तो सिंपल इज नथिंग, जस्ट ओनली अ नॉन टर्मिनल एंड इट मस्ट हैव सम प्रोडक्शन बॉडीज। और इस पे जब आप जाएंगे सिंपल में तो थ्री डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडीज विद थ्री डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स आपको यहां पे नजर आ रही हैं। सो वन इज एन इंटीजर, तो बाय डेफिनेशन फर्स्ट क्या होगा इसका कि किसी भी नॉन टर्मिनल या किसी की भी वो सिंबल जिसका आप फर्स्ट फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी प्रोडक्शन बॉडी में आपके पास जो टर्मिनल सिंबल्स हैं जो कि फर्स्ट पोजीशन पे नजर आ रहे हैं वो बेसिकली उसके फर्स्ट सेट में जाएंगे। जिस तरह अब हमने यहां पे बात की, दिस इज द ओनली सिंबल हेयर दैट इज द इंटीजर। सो सिंपल के अगेंस्ट थ्री प्रोडक्शंस हैं, वन इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इंटीजर, सेकंड वन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली चार, थर्ड वन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली नम डॉट डॉट नम। सो हेयर इसमें सिर्फ एक ही टर्मिनल है, हम इसको अपने फर्स्ट सेट के अंदर लिखेंगे। सेकंड में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे है चार, और बेसिकली ये एक ही सिंबल है टर्मिनल का जो इस पूरी प्रोडक्शन में आ रहा है, एंड वी हैव टू राइट हेयर द चार। और इसी तरह नम डॉट डॉट नम में बेसिकली तीन टर्मिनल सिंबल हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन हम इसमें से सिर्फ फर्स्ट वन को पिक करेंगे, यानी कि हम नम को पिक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ सिंपल विल बी इक्वल टू इंटीजर चार नम, सो वी कैन से द फर्स्ट सेट्स ऑफ गिवन सिंबल सिंपल विल बी इक्वल टू इंटीजर चार एंड नम। सो बाय डेफिनेशन हमने यही बात की थी कि फर्स्ट ऑफ अल्फा is the set of terminals that appear as the first symbol of one or more strings generated from alpha. इसी तरह अगर हम second one की बात करें, हम find करना चाह रहे हैं first of this one, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही production है जो इस symbol के साथ start हो रही है, और इसमें आपके पास अब look ahead symbol consider कर सकते हैं। तो इसमें दो आपके पास symbol हैं, और इसमें फर्स्ट सिंबल जो है ये बेसिकली इसका फर्स्ट कंसीडर होगा। सो हेयर वी हैव इन प्रोडक्शन वी हैव टू ओनली सिंबल्स, वन इज दिस सिंबल एंड सेकंड वन इज द आईडी, एंड वी हैव टू चूज ओनली द फर्स्ट सिंबल, सो वी हैव टू राइट ओनली द फर्स्ट सिंबल हेयर। सो फर्स्ट ऑफ दिस सिंबल एंड आईडी विल बी इक्वल टू दिस सिंबल। इसी तरह फर्स्ट ऑफ टाइप की अगर बात करें तो टाइप के अंदर अब गौर करें, इसमें टाइप के अंदर जो है ना सिर्फ ये हमारे पास जो है ये इसकी अपनी प्रोडक्शन बॉडी आती है जिसमें एक प्रोडक्शन रूल ये सेकंड वाला है और एक प्रोडक्शन रूल ये थर्ड वाला है, प्लस इसके साथ हमारे पास जो है ये नॉन टर्मिनल भी है, और लाजमी तौर पर नॉन टर्मिनल आगे फर्दर आपको जो टर्मिनल प्रोवाइड करता है वो भी आप इसके फर्स्ट सेट के अंदर जो है उनको शामिल करेंगे। So according to this one, the first of type will be equal to number one, simple पे गए, और simple आपको क्या provide करके दे सकता है, first one is integer, you have to write integer here, second one is the char which you have written here, third one is the num, इसको भी आपने यहाँ पे write किया, and in similar fashion यहाँ पे अब आपको ये symbol मिला है, और number five पे आपको यहाँ पे array जो है वो as a token आपने यहाँ पे इसको write कर दिया है। सो इफ अल्फा इज एम्प्टी, सो अगर आप फर्स्ट ऑफ एम्प्टी फाइंड करना चाहें, एम्प्टी स्ट्रिंग का फाइंड करना चाहें, इफ अल्फा इज एम्प्टी आर कैन जनरेट एम्प्टी, या इसे आप एम्प्टी जनरेट कर सकते हैं, देन एम्प्टी इज आल्सो इन फर्स्ट ऑफ अल्फा, तो फिर एम्प्टी जो है वो फर्स्ट ऑफ अल्फा का पार्ट होगा। इसको हम अगेन चैप्टर नंबर फोर के अंदर पार्सिंग और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इन डेप्थ देखेंगे, डिफरेंट केसेस लेके आएंगे कि जिनके साथ जो है वो हम इसका फर्स्ट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन आई होप दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट एंड हाउ टू फाइंड द फर्स्ट सेट्स फ्रॉम ए गिवन ग्रामर। अब हम इसको थोड़ा सा कोड की फॉर्म में देखते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं वी यूज फर्स्ट टू राइट आप प्रिडिक्टिव पार्सर एज फॉलो। लेट्स से दिस इज ए ग्रामर एंड माइंडेड दिस वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए कंप्लीट ग्रामर बिकॉज
एक्सप्रेशन इज रिप्लेसेबल टू टर्म रेस्ट, रेस्ट इज रिप्लेसेबल टू प्लस टर्म रेस्ट, माइनस टर्म रेस्ट एंड दिस इज एम्प्टी। अब टर्म आगे फर्दर किस में रिप्लेस हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की, हम एक उसका पार्ट ले रहे हैं इस ग्रामर का, और जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली रेस्ट जो है इसका प्रोसीजर हम कैसे यहां पर डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ प्रोसीजर रेस्ट एंड दिस इज बिगिन। इफ लुक अहेड इन फर्स्ट ऑफ दिस वन, अगर इस प्रोडक्शन को आप यूज करते हैं, क्योंकि रेस्ट से रिलेटेड तीन प्रोडक्शन बॉडीज हैं और उसके लिए थ्री ब्लॉक्स आपने बनाए। वन इज रिलेटेड टू इफ कंडीशन दैट यू हैव टू चेक, लुक अहेड इन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन, फर्स्ट फाइंड करना है आपने इस फर्स्ट प्रोडक्शन में से, जो कि कंफर्म है कि प्लस सिंबल आपको मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप मैच करेंगे इसके पहले सिंबल को जो कि प्लस है, फिर आप फंक्शन को प्रोसीजर कॉल करेंगे इसका टर्म का, और फिर प्रोसीजर कॉल करेंगे आप रेस्ट का। इसी तरह अगर आप इस सेकंड प्रोडक्शन का फर्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, सो एल्स इफ इफ लुक अहेड इन फर्स्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन दैट इज माइनस टर्म रेस्ट, सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस माइनस विल बी मैच, आफ्टर दैट द टर्म प्रोसीजर विल बी कॉल्ड एंड आफ्टर दैट रेस्ट प्रोसीजर विल बी कॉल्ड। अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो कन्फर्म है कि ये थर्ड केस होगा जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इन एल्स केस यू हैव टू रिटर्न बैक, मीन यू विल रिसीव नथिंग इन फर्स्ट। सो जब नथिंग रिसीव करेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो उसको कंसिडर करेंगे। ओके, so when a non terminal a has two or more production as in this one, ab isme dekhen aap, aapke paas a ek non terminal hai aur iski jo production hai ya production body hai isme aapko do rule mil rahe hain, one is representing only alpha and second one is representing only the beta, so then first of alpha, to jab aap is first of alpha find karenge एंड फर्स्ट ऑफ बीटा और इसका भी फर्स्ट फाइंड करेंगे, दे मस्ट बी डिसजॉइंट फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग टू वर्क, तो लाजमी तौर पे ये दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है कि एक ही नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट उसके जितनी भी प्रोडक्शन बॉडी हैं, जितने भी रूल हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। सो डिसजॉइंट मीन दे मस्ट बी डिसजॉइंट टू ईच अदर। सो अगर एक अल्फा है, लेट से जस्ट फॉर जनरलाइजेशन, एक अल्फा है, एक बीटा है, तो एक हम गैमा लेते हैं, सो इन दैट केस ऑल दी थ्री प्रोडक्शन बॉडीज विल हैव डिफरेंट फर्स्ट सिंबल्स, सो इट मीन दिस फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ डिसजॉइंट। सो प्रेडिक्टिव पार्सिंग की क्वालिटी यही है कि ये आपको क्या करेगा कि आपको डिसजॉइंट सेट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब ये डिसजॉइंट सेट्स हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, सो वी हैव टू कंसीडर द प्रोसेस ऑफ लेफ्ट रिकर्जन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग। अब जब हम इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो तब हमें समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये डिसजॉइंट सेट्स हो सकते हैं। सो एट द मोमेंट हमने क्या किया है कि हमारे पास एक ग्रामर थी, उसमें से सिर्फ इस नॉन टर्मिनल रेस्ट के बारे में हमने एक प्रोसीजर डिजाइन किया है, और इसके तीनों केसेस जो हैं उसको हमने यहां पे जनरलाइज किया है कि किस तरह से आप इसका कोड जो है वो आप यहां पे राइट कर सकते हैं, जस्ट फॉर टू इंट्रोड्यूस द प्रेडिक्टिव पार्सर। और फर्दर हम क्या कह रहे हैं कि ये आप देख भी लें यहां पे कि इसका स्टार्ट सिंबल प्लस है, इसका स्टार्ट सिंबल माइनस है, और इसका स्टार्ट सिंबल एम्प्टी है, सो इट मीन दीज आर बेसिकली दी डिसजॉइंट सेट्स ऑफ दिस गिवन नॉन टर्मिनल दैट इज द रेस्ट। तो ये तीनों डिसजॉइंट है, जिस तरह यहां पे डिसजॉइंट अल्फा बीटा, सेम इसी तरह प्लस माइनस और एम्प्टी तीनों जो है वो एक दूसरे से डिसजॉइंट है। अब इसको फर्दर हम देखते हैं, सो व्हाट इज लेफ्ट फैक्टरिंग, सो व्हेन मोर देन वन प्रोडक्शन फॉर नॉन टर्मिनल ए स्टार्ट विद द सेम सिंबल द फर्स्ट सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ये फर्स्ट सेट्स कब डिसजॉइंट नहीं होंगे कि अगर किसी नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन बॉडी में कम से कम दो प्रोडक्शंस ऐसी हैं जिनका स्टार्टिंग सिंबल जो है वो हमारे पास सेम है। सो यू कैन सी हियर दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज अ नॉन टर्मिनल एंड इट हैज टू डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडीज, वन इज इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एंड द अदर वन इज इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। सो यहां पे आप देख सकते हैं
अब ये भी इफ से स्टार्ट हो रही है प्रोडक्शन, और सेकंड प्रोडक्शन ये भी इफ से स्टार्ट हो रही है, और इसी के ऊपर हमने अभी बात की है कि ये दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, लेकिन इस केस में ये दोनों डिसजॉइंट हमारे पास नहीं है। सो वी कैन यूज लेफ्ट फैक्टरिंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे। लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि हम अपनी ग्रामर में चेंज लेके आएंगे और हम इसमें एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम जो है वो परफेक्ट टाइप की इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको प्रोसीड कर सकें। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव रिटन द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्रामर आफ्टर परफॉर्मिंग द लेफ्ट फैक्टरिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन स्टेटमेंट कैन प्रोड्यूस इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, उसको हमने लिखा स्टेटमेंट कैन प्रोड्यूस इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। और एक्स्ट्रा जो हम यहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो आप यहां पे देख रहे हैं, दिस इज द ऑप्शनल एल्स। तो ऑप्शनल एल्स बेसिकली क्या है, दिस इज ए न्यू नॉन टर्मिनल विच वी हैव प्रोड्यूस्ड हेयर। सो दिस इज ए न्यू नॉन टर्मिनल ऑप्शनल एल्स, और ऑप्शनल एल्स को फिर हमने उसकी बॉडी जो है उसमें प्रोवाइड कर दिया है ये पार्ट, यानी कि एल्स स्टेटमेंट। तो अगर आप गौर करें कि जो हमारी ओरिजिनल ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट और सेकंड प्रोडक्शन इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, यहां तक ये पूरी बॉडी जो है वो सेम है। सो देर इज अ डिफरेंस ओनली आफ्टर द स्टेटमेंट, यानी कि एल्स स्टेटमेंट जो है जो कि सेकंड प्रोडक्शन में आ रहा है आपको, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ यूअर गिवन प्रोडक्शन। सो हमने उसके लिए क्या किया है, अब यहां तक तो कोई भी हमारी इस ग्रामर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन होगी वो यहां तक तो दोनों में सेम होगी, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट या फिर इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। तो यहां पे इशू है, हमने इसके लिए क्या किया है, एक एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया, दिस इज द नेसेसरी पार्ट विच विल बी जनरेटेड इन ऑल केसेस। सो स्टेटमेंट कैन प्रोड्यूस इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, दैट इज मैंडेटरी एंड दिस इज फ्रॉम द इनिशियल आर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ यूअर ग्रामर। और उसके बाद हमने एक नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया ऑप्शनल एल्स, और उस ऑप्शनल एल्स के अंदर फिर हमने फर्दर क्या किया है, ये पार्ट जो है वो उसको यहां पे डिस्प्ले किया है। सो ऑप्शनल एल्स विल प्रोड्यूस एल्स स्टेटमेंट और सिंपली इट कैन जनरेट ओनली द एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इन दिस केस अब आप खुद देख लें कि इसमें जो भी आप एक्सप्रेशन देंगे ये उसको एक्सेप्ट करेगा और 100% जो है वो उसको करेक्ट फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। रीजन सिंपल है, अगर हम इसी प्रोडक्शन को यूज करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट है, ऑप्शनल एल्स आएगा। अब चूंकि यहां पे आगे कोई पार्ट नहीं है तो ऑप्शनल एल्स में चॉइस है हमारे पास, हम एम्प्टी को यूज करेंगे और हमारी एक्सप्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। इन अदर वे इफ इफ वी वॉन्ट टू यूज दिस प्रोडक्शन, इफ आवर प्रोग्राम हैज सच टाइप ऑफ प्रोडक्शन, देन इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट हम यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट विल प्रोड्यूस इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ऑप्शनल एल्स है और ऑप्शनल एल्स से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो सिंपली ऑप्शनल एल्स विल प्रोड्यूस एल्स स्टेटमेंट। सो इन दिस वे वी हैव फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ डिसजॉइंट। सो इट मीन इन आवर न्यू ग्रामर प्रोडक्शन आवर फर्स्ट सेट्स आर बेसिकली डिसजॉइंट। सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट सेट्स हैं वो हमारे पास जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमने यहां पे ये प्रॉब्लम जो है वो उसको फिक्स कर दिया है, और अब हम इस प्रोसेस को ही लेफ्ट फैक्टरिंग का नाम देते हैं कि किस तरह से हमने ये प्रॉब्लम जो है वो उसको फिक्स किया है। तो उम्मीद है ये ईच एंड एवरी थिंग जो है इससे रिलेटेड आपको कंसिडर कर ली होगी आपने। हमने क्या डिस्कस किया, हमने पहले फर्स्ट को डिस्कस किया कि फर्स्ट बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फिर हमने उसके ऊपर ये बात की है कि पॉसिबल है कि फर्स्ट सेट्स के अंदर सिमिलर टाइप के जो आपके पास सिंबल्स हैं वो आपको रिसीव हो। सो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि जो फर्स्ट सिंबल्स हैं या फर्स्ट सेट्स हैं वो आपके डिसजॉइंट होने चाहिए, उसके लिए हमने लेफ्ट फैक्टरिंग का प्रोसेस जो है वो उसको इंट्रोड्यूस यहां पे करवाया है। इसी तरह अब हम लेफ्ट रिकर्जन की बात करेंगे। सो व्हाट इज लेफ्ट रिकर्जन, व्हेन अ प्रोडक्शन फॉर नॉन टर्मिनल ए स्टार्ट्स विद अ सेल्फ रेफरेंस देन अ प्रेडिक्टिव पार्सर लूप्स फॉर एवर। कि अगर आपके पास एक प्रोडक्शन ऐसी है किसी भी नॉन टर्मिनल के लिए
जो सेल्फ रेफरेंस के साथ स्टार्ट हो रही है, तो इस केस में आपका जो प्रेडिक्टिव पार्सर है वो हमेशा लूप के अंदर रहेगा और वो हमेशा उसमें अल्टरेशंस जो है वो आती रहेंगी. फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्रामर हियर ए दैट इज अ नॉन टर्मिनल एंड इट कैन प्रोड्यूस सिंपली ए दैट इज एट द स्टार्ट पोजिशन, एल्फा और द सेकेंड प्रोडक्शन दैट इज बीटा एंड द थर्ड प्रोडक्शन दैट इज द गैमा. तो यहां पे अब आप सिंपली देख सकते हैं कि जो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल था या कोई भी नॉन टर्मिनल की अगर आप बात कर लें कि ए इज अ नॉन टर्मिनल इन दिस केस, तो ये अब सेल्फ रेफरेंस के साथ ही हम इसकी प्रोडक्शन बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं. सो इट मीन इफ अ नॉन टर्मिनल कम्स एट द स्टार्ट पोजिशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन बॉडी देन इट मीन दिस इज नोन एज द सेल्फ रेफरेंस. तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनल जो है ये अपनी प्रोडक्शन बॉडी में एज अ फर्स्ट सिंबल जो है वो यहां पे आ रहा है विद अ सेल्फ रेफरेंस देन अ प्रेडिक्टिव पार्सर लूप्स फॉरएवर. तो इसमें क्या होगा कि आपको जब भी अल्फा रिक्वायर्ड होगा आप अगेन ए अल्फा को यूज करेंगे, अगेन ए अल्फा को यूज करेंगे. तो इस तरह जो है ये लूप फॉरएवर वाला कंसेप्ट जो है वो यहां पे पॉसिबल है. सो अब हमें इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो हो गया है हमारे पास, अब हमने इसको रिजोल्व करना है. सो वी हैव टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ लेफ्ट रिकर्जन. हम इसकी लेफ्ट रिकर्जन रिजोल्व करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम यहां पे. सो वी कैन एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शंस बाय सिस्टमैटिकली रीराइटिंग द ग्रामर यूजिंग राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन. हम अपनी ग्रामर में चेंज लेके आएंगे और वो चेंज बेसिकली क्या होगा कि हम इसमें इसकी प्रोडक्शंस में कुछ चेंज करेंगे और जो न्यू सेट ऑफ प्रोडक्शंस होगा वो बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन के बाद जो है उसको हम प्रोड्यूस कर पाएंगे. सो फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं कि इसी ग्रामर की अगर हम बात करें तो अब आपने कैसे इसका प्रोसेस सॉल्व करना है. ये आफ्टर लेफ्ट रिकर्जन है तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, दिस इज द नॉन टर्मिनल ए सो दिस इज द ए. अब इसमें इसमें आप देखें इसमें तीन प्रोडक्शन बॉडीज हैं, फर्स्ट वन सेकंड वन एंड थर्ड वन. इसमें अल्फा टर्मिनल है, बीटा टर्मिनल है, गैमा हमारे पास ये भी टर्मिनल है एंड ए इज अ नॉन टर्मिनल. ओके सो वी हैव थ्री डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडीज. One production body consists of non-terminal and terminal combination. Second production is basically consists of only the terminal symbol. And third one is also basically consists of only the terminal symbol. अब आपने इसकी production कैसे लिखनी है कि जो वो वाली productions जो terminals जिसमें आ रहे हैं या ये कह लें कि जिसमें ये symbol आपका appear नहीं हो रहा non terminal का जो कि self loop का concept दे रहा है, उसके अलावा जो इसकी productions हैं जिस तरह ये beta है और एक gamma है उसको आपने यहां पे write करना है, वहां से start लेना है. so A can produce beta and you have to introduce an extra non terminal और हम उसको यहां पे नाम दे रहे हैं R का. So we are writing here the R which is simply known as the new symbol, new non-terminal symbols. So simply A can produce beta or and or phir gamma or. So these are the two possibilities and these two possibilities are related to these two production rules which are actually consisting of only terminals. इसी तरह हमारे पास अब ये दोनों तो आपने यहां पर write कर लिए हैं directly से A से beta R या फिर गैमा आर प्रोड्यूस हो सकता है. अब आपने क्या करना है, ये जो न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया है इसके साथ अब आपने इसका इशू रिजोल्व करना है. कैसे करेंगे, अब आप इस आर को उठाएंगे और यहां पे राइट करेंगे आई मीन एज अ नॉन टर्मिनल क्योंकि ये नॉन टर्मिनल आपने बनाया है. सो आर कैन प्रोड्यूस दिस एल्फा और इसकी राइट साइड पे आपने इसी सिंबल को यानी कि न्यू नॉन टर्मिनल को राइट कर देना है. So by using this और एक extra rule introduce करवाना है जो कि empty का होगा because every time you need alpha and after that there is a possibility that you can have only one time alpha in your requirement. So after that you can eliminate the remaining part by using the empty string. So is simply इस तरह से आप जो है वो empty string जो है वो उसको add करेंगे एक extra rule के तौर पे और अब आपकी ये जो ग्रामर गिवन थी जो कि लेफ्ट रिकर्जन का इशू दे रही थी अब उसको हमने यहां पे एलिमिनेट कर दिया. अब इसमें
आप जब भी अगर लेट से हम सिर्फ बीटा फाइंड करना चाहते हैं तो दिस इज अ प्रोडक्शन, ए कैन प्रोड्यूस बीटा आर एंड आर कैन प्रोड्यूस द एम्प्टी स्ट्रिंग, सो वी हैव ओनली द बीटा। एंड इन सिमिलर फैशन ए कैन प्रोड्यूस गैमा आर एंड आर कैन प्रोड्यूस एम्प्टी, तो इस तरह हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैमा मिल सकता है। अगर हमें सिर्फ अल्फा चाहिए सो ए कैन प्रोड्यूस बीटा आर, यानी इसके साथ आप किसी भी मतलब प्रोडक्शन को जो है वो आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके मुकाबले में हम एक और प्रोडक्शन जो है वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं कि ए चूंकि हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल है और हम इसके साथ जो है इसी की नोटेशन को यूज कर लेंगे, सो दिस इज ए एंड दिस इज ए प्राइम। तो इस तरह से हम आर की जगह जो है वो सिमिलर टाइप का जो सिंबल है उसको भी यूज कर सकते हैं। सो रूल वही है, सो ए कैन प्रोड्यूस बीटा ए डैश, ए कैन प्रोड्यूस गैमा ए डैश एंड ए डैश कैन प्रोड्यूस अल्फा ए डैश एंड दिस कैन सिंपली be added by using the empty string. So in the given grammar, अब लाजमी तौर पर यहाँ पे अकेला alpha आप generate नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी a के साथ a alpha generate करेंगे तो लाजमी तौर पर किसी time पर आपको इस a को beta या gamma के साथ जो है वो end up करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको जो minimum strings इसमें मिल सकती हैं वो beta alpha या gamma alpha के साथ हो सकती हैं। So for that case you have to write this one a into beta a dash and a dash can produce simply alpha a dash and further a dash can produce the empty string. So in a very simple way I think you have understand the idea of left recursion. First sets, left factoring, and there we have discussed the disjoint problem and we have fixed the disjoint problem, and now the left recursion, which is basically fixing the problem of self reference. तो इस तरह से ये simple way के अंदर जो है हम इन चीजों को understand कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर ट्रांसलेटर फॉर सिंपल एक्सप्रेशंस की। अगर हम बात करें, दिस इज ए ग्रामर बेसिकली एंड दिस हैव डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये ग्रामर हमें पहले भी मिली थी। एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस एक्सप्रेशन प्लस टर्म विद ए सिमेंटिक एक्शन दैट इज प्रिंट प्लस। सिमिलरली दिस सेकेंड प्रोडक्शन रूल ऑफ सेम नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशन एंड इट कैन प्रोड्यूस एक्सप्रेशन माइनस टर्म विद सिमेंटिक एक्शन दैट इज माइनस। एंड द थर्ड रूल, एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस टर्म एंड इट हैज नो प्रोडक्शन, नो सिमेंटिक एक्शन, क्योंकि टर्म आगे फर्दर जो है आपको नंबर डिजिट्स दे रहा है, सो टर्म कैन बी रिप्लेस्ड टू आर कैन डिराइव 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू 9। एंड विद सच टाइप ऑफ प्रिंटिंग रूल्स आर द सिमेंटिक एक्शन विद 0, 1, 2, 3 आर वैल्यू 9। तो इस तरह से आप इन चीजों को यहां पे देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें इश्यू है हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन का, कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रोडक्शन जो है और सेकेंड, फर्स्ट टू प्रोडक्शन जो है ये आपको सिमिलर प्रोवाइड कर रही है, यानी कि सिमिलर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है, सो इट मीन दिस इज अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फिक्स सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये काम किया है कि एक्सप्रेशन, दिस इज द थर्ड सिंबल एंड बेसिकली जितने भी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल होता है अगर वो 10 टाइम भी आ रहा है तो आप किसी को भी फर्स्ट सिंबल कंसीडर कर सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट ऑफ ग्रामर कंसीडर कर सकते हैं। एंड आपने क्लियरली ये कंसेप्ट जो है वो ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर क्लियर किया होगा। सो वी आर पिकिंग दिस वन, एक्सप्रेशन कैन जनरेट टर्म रेस्ट, टर्म यही है रेस्ट, एक न्यू नॉन टर्मिनल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस तरह हमने प्रीवियस केस में ए डैश को या फिर आर को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब उस रेस्ट से फिर आपने क्या किया है, उस रेस्ट से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस रेस्ट से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सिंबल तो अब आपका खत्म हो चुका है, यानी और उसके लिए ये प्लस और टर्म जो है अब आप इसको यूटिलाइज करेंगे। सो अगेन कंसीडर दिस वन, के एक्सप्रेशन जो है ये ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है, इसको हमने स्टार्ट से यहां से एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक प्रोडक्शन रूल बताया, एक्सप्रेशन कैन जनरेट टर्म रेस्ट, क्योंकि हमने ये बात की थी अभी। अगर आप यहां पे देखें, हमने ये कहा था कि अगर इस तरह की प्रोडक्शन है
तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि उस सेल्फ रेफरेंस वाले के अलावा अगर इस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट कुछ रूल हैं तो आपने उनको स्टार्ट पॉइंट के तौर पे लेना है। जिस तरह हमने लिया था, ए कैन प्रोड्यूस बीटा आर, ए कैन प्रोड्यूस गैमा आर, और उसके बाद फिर आप इस सेल्फ रेफरेंस वाले प्रोडक्शन पे आए थे कि आर न्यू नॉन टर्मिनल कैन प्रोड्यूस अल्फा आर। सो हम वही प्रोसेस यहां पे कर रहे हैं। सो एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस दिस वन एंड दिस वन, एंड एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस दिस वन टर्म एंड टर्म, बेसिकली यू हैव टू यूज दिस वन एक्सप्रेशन टर्म और एक न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया जो कि रेस्ट है, और उस रेस्ट के अगेंस्ट अब आप क्या कर रहे हैं, इसको एलिमिनेट किया यहां से, और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या था, प्लस टर्म है और इसका सिमेंटिक एक्शन प्रिंट प्लस है, और यही वाला नॉन टर्मिनल आपने राइट साइड पर यूज किया है। इसी तरह इसका जो सेकंड प्रोडक्शन है इसके अगेंस्ट वो कैसे जनरेट होगा, उसको आपने किया है रेस्ट कैन प्रोड्यूस माइनस टर्म विथ सिमेंटिक एक्शन प्रिंट माइनस, एंड एट द एंड देयर विल बी रेस्ट दैट इज एक्चुअली दिस नॉन टर्मिनल विच कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर प्रोडक्शन, और एक्स्ट्रा रूल जो आपने ऐड करना है वो यहां पे क्या है, एम्प्टी का। तो आप अपनी आसानी के लिए इसको थ्री डिफरेंट लाइंस के ऊपर भी कोड को राइट कर सकते हैं। हम मैंने तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसको एक ही लाइन के ऊपर राइट किया है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो है वो एक ही नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्शन है आप उनको विद सिंपली दिस और नोटेशन जो है वो उसको राइट अप कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ये टर्म 0, 1, 2, 9 ये सारे जो है उसको एज इट इज लिखा है विद सिमेंटिक एक्शन दैट आर दी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू 9। सो सिंपली आपने क्या किया है कि एक आपके पास सिंपल एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट जो ग्रामर थी उसमें जो इशू हमारे पास आ रहा था लेफ्ट रिकर्जन का, उसको आपने अंडरस्टैंड किया है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने क्या किया है, उसके प्रोसेस को एलिमिनेट किया है, और इसको रिड्यूस करते हुए अब आपने एक ऐसी ग्रामर जनरेट की है जो आपको लेफ्ट रिकर्जन फ्री कह सकते हैं कि वो ग्रामर अब आपको रिसीव हुई है। नाउ दिस इज अ कोड एंड दिस इज ए कोड रिलेटेड टू आवर गिवन प्रीवियस ग्रामर। यहां पे आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स लाइक मेन एक्सप्रेशन टर्म मैच एंड एरर। मेन एक्सप्रेशन टर्म मैच एंड एरर ये हमारे प्रोसीजर्स हैं, और एक्चुअली वी हैव ए ग्रामर लाइक दैट। अभी हमने जिस ग्रामर की बात की थी कि एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस टर्म रेस्ट एंड रेस्ट विच इज अ न्यू नॉन टर्मिनल एंड इट कैन प्रोड्यूस प्लस टर्म विद सिमेंटिक एक्शन प्रिंट प्लस एंड रेस्ट, और सेकेंड प्रोडक्शन विद माइनस टर्म विद सिमेंटिक एक्शन प्रिंट माइनस एंड द न्यू नॉन टर्मिनल रेस्ट, एंड फर्दर एट द एंड देर इज ए नॉन टर्मिनल दैट इज द एम्प्टी स्ट्रिंग टर्मिनल दैट इज द एम्प्टी स्ट्रिंग। और ये बाकी उसके वही प्रोडक्शन रूल हैं कि टर्म के साथ रिप्लेसमेंट जो है वो 0, 1, 2, 3 अप टू 9 आप कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें इसके अकॉर्डिंग देखें हमने मेन प्रोसीजर यहां पे राइट किया है, वी हैव राइटिंग हेयर लुक अहेड इज इक्वल टू गेट 4, के हमारी इनपुट स्ट्रिंग में जो फर्स्ट सिंबल होता है या फर्स्ट टर्मिनल सिंबल होता है, आप कोई भी एक्सप्रेशन ले लें 1 + 2 की अगर बात कर लें तो उसमें 1 विल बी द स्टार्ट पॉइंट ऑफ योर एक्सप्रेशन एंड इट विल बी द सिंपली द फर्स्ट टोकन आर द फर्स्ट टर्मिनल आर द पोजिशन ऑफ ए लुक अहेड सिंबल। सो सिंपली अगर हम कंसिडर करें ये हमारी इनपुट है 1 + 2, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो 1 है, और इस 1 स्टार्ट पॉइंट पे ही हमारा लुक अहेड जो पॉइंटर है वो मौजूद होता है। सो द गेट चार फंक्शन द प्रोसीजर विल गिव यू अ वैल्यू दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 1, सो वी कैन से दैट लुक अहेड विल पॉइंट आउट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ यूअर गिवन एक्सप्रेशन दैट विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद अब हम स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन प्रोसीजर को कॉल करेंगे, और ये वो प्रोसीजर है जो हमारी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है। ये मैं पिछले लेक्चर में इन डिटेल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, आपको मैंने कंप्लीट उसके एग्जीक्यूशन स्टेप्स भी बताए थे, ट्रेस भी किया था हमने अपने उसको, और कंप्लीट कोड जो था इससे रिलेटेड हमने थ्री डिफरेंट प्रोसीजर मैच रेस्ट और ये टर्म ये बहुत सारी चीजें हमने वहां पे इन डिटेल डिस्कस की थी।
तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ने इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो उनको चाहिए कि पहले वो चैप्टर नंबर इससे रिलेटेड जो प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 7 उसको देखें, उसको अंडरस्टैंड करें। ये तमाम चीज़ें उसी तरह की हम यहाँ पे अगेन जो है वो डिस्कस करना कर रहे हैं। सो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से हम जाएंगे एक्सप्रेशन के प्रोसीजर में, जो कि ये एक्सप्रेशन का प्रोसीजर है। तो दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ यूअर गिवन ग्रामर। अब जैसे ही आप एक्सप्रेशन में गए हैं उसकी, दिस इज द बॉडी ऑफ प्रोसीजर एक्सप्रेशन। आप जैसे इसकी बॉडी में गए आप टर्म के प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, एंड यू हैव सीन एयर के इसका जो फर्स्ट सिंबल है या फर्स्ट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर जो पहला सिंबल कह लें, जो टोकन है इसका, वो टर्म है। तो टर्म पे आप जाएंगे एंड हेयर इज द टर्म। तो जब आप टर्म पे गए आपने क्या किया, कंडीशन में मैच कर रहे हैं कि जो लुक अहेड है क्या वो डिजिट है, तो कंफर्म दैट इज अ डिजिट, दिस इज ए वन। सो इट मीन यू हैव टू राइट पुट चार लुक अहेड, सो वन वैल्यू विल बी राइट। राइट का मतलब यहां पे है कि आप उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये मकसद नहीं है कि यहाँ पे आप उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, आप प्रिंट जरूर करेंगे, लेकिन अब इसको आफ्टर अवेल्युएशन इसका रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पे बाद में मिलेगा। लेकिन आप अगर चाहते तो आप इस पुट चार को और पहले लुक अहेड की वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते, फिर मैच फंक्शन कॉल करते और उसके बाद इसको प्रिंट करते। सो दैट वॉज दी अदर पॉसिबिलिटी जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, कि एक डिजिट मिला हमें, हम कह रहे हैं कि हमने उसको प्रिंट किया है और अगेन मैच प्रोसीजर कॉल किया है और लुक अहेड की वैल्यू एज अ पैरामीटर उसको पास की है। सो वेयर इज मैच, हम यहां पे आएंगे एंड लुक अहेड वैल्यू विल बी गिवन टू दिस प्रोसीजर मैच एज अ पैरामीटर। सो टर्मिनल टी विल रिसीव दिस वन। सो लुक अहेड की वैल्यू 1 थी हमारे पास, 1 हमारे पास यहां पे मिला। सो हमने यहां पे टेस्ट किया, इफ लुक अहेड इज इक्वल टू टी दैट इज कन्फर्म, बोथ आर इक्वल टू 1, वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब इनपुट स्ट्रिंग और आपकी ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर दोनों सिंबल सेम आ जाते हैं तो उस केस में फिर हमने प्रोसीड करना होता है। सो फॉर दैट वी हैव टू कॉल द प्रोसीजर गेट चार विच विल गिव अस अनदर फर्दर टर्मिनल। तो यहां से हमें एक नेक्स्ट सिंबल मिलेगा, तो अब इसमें नेक्स्ट सिंबल आपके पास जो है वो प्लस है, सो लुक अहेड वैल्यू विल रिप्रेजेंट द प्लस। ओके, तो हम यहां से रिटर्न बैक होंगे जहां से हमें कॉल किया गया था, हम यहां पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद अगेन हम जो है जहां इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इस टर्म की कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली कंडीशन ऑफ इफ के बाद, तो हम रिटर्न बैक होंगे जहां से हम आए थे और हम यहां पे टर्म से आए थे। सो वी हैव सीन दैट वी हैव कंप्लीटली प्रोसेस द फर्स्ट सिंबल दैट इज नोन एज द टर्म। तो हमने इस टर्म को सक्सेसफुली जो है वो यहां पे सॉल्व कर लिया है। हम अगेन यहां पे फिर हम कह रहे हैं वाइल वन, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी कि जब तक आपकी स्ट्रिंग स्कैन होती रहेगी, रीड होती रहेगी, प्रोसेस होती रहेगी, रिमेनिंग रहेगी, तब तक आपने ये प्रोसीजर जो है वो उसको कंटिन्यू करना है। और इन अदर केस सिंपली आप इसको विद रेस्ट प्रोसीजर भी राइट कर सकते हैं, यानी आप वाइल वन ना लिखें यहां पे, बल्कि इसकी जगह रेस्ट प्रोसीजर जो है उसको यहां पे सिंपली राइट कर दें, दैट विल बी अगेन द करेक्ट केस। तो उसी के लिए हम यहां पे लिख रहे हैं ऑप्टिमाइज्ड बाय इनलाइनिंग रेस्ट एंड रिमूविंग रिकर्जन कॉल्स। तो ये मतलब आप सिंपली इसको यहां पे राइट कर सकते हैं। सो टर्म के बाद अब आप देख रहे हैं कि अब हम लाजमी तौर पर रेस्ट की बात करेंगे, और रेस्ट बेसिकली जो है वो आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्शंस दे रहा है, 1 स्टार्टिंग विद प्लस, 2nd 1 स्टार्टिंग विद माइनस एंड 3rd 1 स्टार्टिंग विद एम्प्टी स्ट्रिंग। सो हम जैसे ही इस रेस्ट प्रोसीजर में या जब तक ट्रू है हम यहां पे आएंगे और हम टेस्ट कर रहे हैं इफ लुक एट इज इक्वल टू प्लस दैट इज द ट्रू केस। हमने यही बात की थी कि अब हम प्रोसीड कर चुके हैं अपनी इनपुट स्ट्रिंग में एंड वी हैव पेसिंग द ऑपरेटर प्लस, तो इफ लुक एट इज इक्वल टू प्लस दैट इज द करेक्ट केस। वी हैव टू मैच दिस प्लस, मैच प्रोसीजर के अंदर हम जाएंगे और इस प्लस को मैच करेंगे। तो जब हम मैच के अंदर गए तो मैच के अंदर टर्मिनल टी रिसीव किया है, लुक अहेड वैल्यू इज इक्वल टू नाउ वैल्यू इज इक्वल टू टी, सो लुक अहेड इज इक्वल टू गेट चार। अब अगर दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है, लास्ट टाइम हमने देखा था लुक अहेड जब हम यहां से गए थे तो उसकी वैल्यू प्लस हो चुकी थी, सो अगेन वी हैव फ्रॉम दिस कॉल जब हम यहां से आए हैं तो अगेन टी ने प्लस को रिसीव किया है, सो वी हैव लुक अहेड इज इक्वल टू टी दैट इज द ट्रू केस। ट्रू केस का मतलब है कि हम प्रोसीड करेंगे, हम नेक्स्ट कैरेक्टर को गेट करेंगे एंड वी विल कंसीडर द लुक अहेड।
और नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास टू है, वो इनपुट स्ट्रिंग में, वो हमारे पास जो है वो लोकल हेड को मिलेगा। हम अगेन रिटर्न बैक होंगे जहां से हम आए थे, प्रोसीड करेंगे, टर्म प्रोसीजर को कॉल करेंगे, टर्म प्रोसीजर विल चेक वीदर यूअर लोकल हेड विल रिप्रेजेंटिंग अ डिजिट, दैट इज द केस, दैट इज द कंफर्म केस, एंड पुट चार लोकल हेड अ वैल्यू टू जो है उसको हम प्रिंट करेंगे। सो मैच लोकल हेड और उसके बाद मैच प्रोसीजर कॉल करेंगे, लोकल हेड वैल्यू उसको भेजेंगे, तो लोकल हेड वैल्यू नाउ कंसिस्टिंग ऑफ टू। सो हम यहां पर जाएंगे एंड दिस इज ए प्रोसीजर that is receiving the look ahead value as a T. So look ahead is consisting is basically of 2, and we have seen that we have transferred the value of 2, both are equal to 2. तो यहां से अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर गेट करेंगे और कन्फर्म है कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, तो एंड कैरेक्टर है या आप कह सकते हैं कि एंडिंग कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग अब आपको रिसीव होगी, तो वो अब आप जो है वो लुक एट सिंबल को यहां पे रिटर्न करेंगे या इसको असाइन करेंगे। सो अगेन आप जब यहां पे दोबारा जाएंगे, आप जो कि यहां पे हमारे पास टर्म से आप यहां पे गए थे, सो आफ्टर दैट द पुट चार प्लस ये सिंबल प्लस जो है वो अब आप यहां पे प्रिंट करेंगे। सो इसको अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग 1 प्लस 2 है, लेकिन हमने इसको बेसिकली प्रोसेसिंग के थ्रू पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर हमें रिजल्ट मिला है जो कि हमारे पास 1 2 प्लस हमें मिला है, या लास्ट में पुट चार हमने प्लस किया है। सो इट मीन दिस इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड वी हैव रिसीव द 1 2 प्लस एक्सप्रेशन। ये हम थ्रू आउट अपने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये चीजें डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि किस तरह से इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में जाती है, बाय यूजिंग सिमेंटिक एक्शन भी हमने देखे, सिमेंटिक रूल भी देखे थे इसके, और उसके साथ हमने इसका आइडिया जो है वो उसको मेच्योर किया था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन सिंपल केस जब हम यहां पे 1 2 प्लस मिल चुका है, फिर हम रेस्ट प्रोसीजर को कॉल करेंगे, एंड रेस्ट प्रोसीजर बेसिकली क्या है, यही प्रोसीजर रेस्ट है जो कि इटसेल्फ हम यहां पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बात की थी कि रेस्ट प्रोसीजर जो है वो बेसिकली यही है जिसको हम वाइल 1 कह रहे हैं, आप इसको रेस्ट के साथ भी इसको राइट अप कर सकते हैं। सो इन दैट केस द रेस्ट प्रोसीजर will be called again, and there are the three cases, one with look ahead value plus, that will be rejected, क्योंकि अब हमारे पास rest में empty string है, ये reject होगा case, आप else case में आएंगे, again look ahead is equal to minus, आप minus की बात करेंगे, again this is the wrong case, and the third case will be the true case, that will be the else break, so it mean neither the case plus nor the case minus will be considered as a look ahead symbol, so the third case or the third else part will be accepted, that it belongs to actually the empty string, and we will break here. Hamari input string process ho chuki hai, complete ho chuki hai, infix ka postfix bhi ban chuka hai, aur is tarah se hum jo hai wo successfully apna procedure jo hai wo usko complete kar chuke hain. अगर इससे रिलेटेड या रिलेटेड कोई भी स्ट्रिंग देंगे ये उसको प्रोसेस करती रहेगी, इसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिंग देंगे लाइक दैट वन स्टैरिक टू, तो वहां पे फिर हमें रिजेक्ट केस मिलेगा, और हम रिजेक्ट केस का मतलब है हम एरर प्रोसीजर पे जाएंगे, क्योंकि हर एक आपको नजर यहां पे भी आपको जब डिजिट को चेक करते हैं और या इसी तरह मैच को चेक करते हैं, जब मैचिंग नहीं होगी तो फिर आप एरर प्रोसीजर में जाएंगे, और एरर प्रोसीजर फर्दर जो है वो आपको कोई सिंटैक्स एरर मैसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। सो इन सिंपल वे यू कैन डिजाइन यूअर ओन पार्सर जस्ट ओनली फॉर गिवन एक्सप्रेशन, जस्ट टू कंसीडर द इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड टू कन्वर्ट इट टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड फर्दर इवैल्यूएट और प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकुलर पार्टिकुलर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो सिंपली इसमें कोई मुश्किल ऐसी चीज नहीं है जो आपको ये बात समझना आई। अब इसी प्रोसीजर को अदर वे के अंदर भी हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अदर सॉल्यूशन क्या इसका हो सकता है। दिस इज अनदर वे टू कोड दिस वन। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक प्रोसीजर एक्सप्रेशन के नाम का बना लिया, क्योंकि ग्रामर हमारे पास आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन इज अ नॉन टर्मिनल, दैट इज द फर्स्ट स्टार्ट सिंबल ऑफ यूअर ग्रामर, एंड इट हैज टू डिफरेंट टोकन्स इन टर्मिनल टोकन्स इन यूअर राइट साइड।
सो वन इज द टर्म, सेकंड वन इज द रेस्ट. इसके लिए हमने क्या किया है, ये दोनों नॉन टर्मिनल हैं, एक टर्म का प्रोसीजर बनाएंगे और एक रेस्ट का प्रोसीजर बनाएंगे. जब भी हम एक्सप्रेशन पे जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म को कॉल करेंगे, उसके बाद हम रेस्ट को कॉल करेंगे. सो फॉर दैट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वाइड एक्सप्रेशन इज अ प्रोसीजर एंड इन इट्स बॉडी वी हैव रिटन टू डिफरेंट प्रोसीजर्स, वन इज द टर्म एंड सेकंड वन इज द रेस्ट. सो रेस्ट में अब हम क्या दे रहे हैं, रेस्ट की पॉसिबिलिटी आप यहां पे देख चुके हैं कि वन प्लस वाली पॉसिबिलिटी है, प्लस है, फिर टर्म है, फिर सिमेंटिक एक्शन है, फिर रेस्ट है, और इसी तरह माइनस है, टर्म है, प्रिंट माइनस है, रेस्ट है, और इसी तरह थर्ड में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आपको यहां पे नजर आ रही है. सो यू कैन सी हियर क्लियरली, रेस्ट में आपने क्या किया, इफ लुक एट इज इक्वल टू प्लस देन यू हैव टू मैच प्लस, ओके, देन टर्म प्रोसीजर विल बी कॉल्ड, आफ्टर दैट प्लस वैल्यू विल बी प्रिंटेड, एंड आफ्टर दैट द रेस्ट प्रोसीजर विल बी कॉल्ड. अब अगर इनका जो आप वे देखें, ये सेम वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी हमने देखा था, इफ दे लुक एट इज इक्वल टू प्लस देन मैच प्लस, टर्म प्रोसीजर विल बी कॉल्ड, आफ्टर दैट पुट चार वैल्यू ऑफ प्लस, एंड आफ्टर दैट द रेस्ट प्रोसीजर विल बी कॉल्ड. सो सिमिलर वे में हमने इसको राइट कर दिया है. एल्स इफ में हम कह रहे हैं लुक एट अगर माइनस होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. एल्स केस जो थर्ड केस है वो उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए जो हमारे पास है, यानी आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग में से आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग जस्ट यू हैव रिसीव, सो इट मीन यू विल प्रिंट नथिंग. सो इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास, ये तो रेस्ट का प्रोसीजर हमने बनाया. इसी तरह टर्म वो क्या है, टर्म के साथ तो आप सिर्फ प्रिंटिंग कर सकते हैं 0 टू 9 तक, तो इसमें आप देख सकते हैं. सो वाई टर्म, सो इफ लुक अहेड इज अ डिजिट देन असाइन वैल्यू ऑफ लुक अहेड इज इक्वल टू टी, मैच लुक अहेड हम मैच प्रोसीजर एक और बनाएंगे, उसके थ्रू हम लुक अहेड की वैल्यू मैच करेंगे, और उसके बाद हम अपना जो स्टोर किया हुआ यहाँ पे डिजिट है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, और अगर इस डिजिट के अलावा कुछ मिलता है तो हम उसको एरर रिपोर्ट करेंगे, इस तरह का जो हमारे पास एरर आएगा. सो इट मीन क्लियरली सिंपल वे में दिस वॉज द फर्स्ट प्रोसीजर एंड दिस इज द सेकेंड प्रोसीजर इन विच यू कैन राइट यूअर कोड जस्ट टू एनालाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. इसी तरह हमारे पास अनदर वे टू कोड है, आप मतलब इस तरह से भी राइट कर सकते हैं. हम सिर्फ यहाँ पे रेस्ट की बात कर रहे हैं, बाकी कंप्लीट प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रेस्ट के प्रोसीजर की बात कर रहे हैं. सो वाइट रेस्ट, सो वाइल ट्रू, जब तक आपकी इनपुट मिलती रहेगी तब तक आप प्रोसेस करते रहेंगे. इफ लुक एट प्लस, तो वो सेम है कि मैच प्लस करें, टर्म को कॉल करें, प्रिंट प्लस करें और कंटिन्यू करते हैं. यानी क्योंकि आपको यहां पे अगर आप गौर करें, एक मेन पॉइंट हमने यहां पे लिखा है, एलिमिनेटिंग द ट्रेल रिकर्जन इन द प्रोसीजर रेस्ट. जो प्रोसीजर था हमारे पास रेस्ट का, उसका जो एंडिंग पॉइंट है यहां भी रेस्ट है, और इसका एंडिंग पॉइंट यहां जो है वो भी रेस्ट है. सो वी कैन से दैट दिस इज अ रिकर्जन एंड दिस इज द राइट रिकर्जन. हम लेफ्ट रिकर्जन पढ़ के आए हैं, लेकिन ये टेल रिकर्जन है कि ऐसे प्रोसीजर आ रहे हैं जो बिल्कुल राइट पे दोनों प्रोडक्शंस के अंदर आप कह सकते हैं कि सेम है. सो हम इसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, हमने उसके लिए क्या किया है, हम कह रहे हैं कि से एलिमिनेटिंग टेल रिकर्जन इन द प्रोसीजर रेस्ट, जो कि प्रीवियस पेज पे भी मैंने आपको दिखाया है. सो फॉर दैट इफ लुक एट इज इक्वल टू प्लस, सो मैच दैट प्लस, कॉल प्रोसीजर टर्म, आफ्टर दैट प्रिंट द वैल्यू ऑफ प्लस एंड फर्दर कंटिन्यू. कंटिन्यू से आप दोबारा इस प्रोसीजर के स्टार्ट पे चले जाएंगे अगली एट्रेशन के लिए. सो इस तरह से सेम हमने जो है वो माइनस के लिए भी प्रोसीजर राइट किया है, उसकी बॉडी राइट की है, और उसको भी मैच करते हुए यहाँ पे हमने कंटिन्यू जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. सो सिंपल वे में हमने अभी तक जो है वो डिस्कशन इन कोड्स के ऊपर जो की है वो सिर्फ यही देखना चाह रहे थे कि अगर एक ग्रामर हमारे पास है जिसकी लेफ्ट रिकर्जन का इशू जो है वो हम रिजोल्व कर चुके हैं, तो उसके ऊपर जो है हम उसका कोड कैसे उसमें राइट अप कर सकते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एंड दैट इज द एडिंग ए लेक्सिकल एनालाइजर. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस. So the typical tasks that are related to the lexical analyzer are simply remove white spaces and the comments, encode constants as tokens, recognize keywords
एंड रिकॉग्नाइज आइडेंटिफायर्स, ये वो बेसिक टास्क हैं जो हमारे पास जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर परफॉर्म करता है, और लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो इनको टैकल भी करता है। और अगर ये प्रोसेस जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर परफॉर्म कर चुका है तो फिर सिंटैक्स एनालाइजर को इन चीज़ों को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती। यानी कि इफ अ टोकन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर एंड इट कैन गिव दैट टोकन टू दी पार्सर कैन टेक दैट टाइप ऑफ टर्मिनल आर द टोकन फ्रॉम द लेक्सिकल एनालाइजर एंड इफ यू इन योर कोड सेकेंड टाइम दैट टोकन इज प्रोड्यूस्ड देन दैट टोकन कैन बी टेकन बाय पार्सर फ्रॉम सिंबल टेबल और फ्रॉम द लेक्सिकल एनालाइजर। तो ये सिंपली ये बात है कि हमारे पास टोकन जब एक दफा जनरेट हो गया है और वो सिंबल टेबल में एंट्री हो गई है, तो अब सेकंड टाइम अगर वही टोकन आता है तो पार्सर के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्सर जिस हिसाब से राइट किया गया है कि वो उसको गेट करेगा सिंबल टेबल में से या वो गेट कर लेगा उसको लेक्सिकल एनालाइजर में से। हम इसमें से व्हाइट स्पेसेस के अगेंस्ट एक जो है वो चंक ऑफ कोड जो है उसको यहां पे देखते हैं। रिमूव व्हाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स एंड दिस इज ए फॉर लूप, दिस इज द पीक इज इक्वल टू नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर, आपके इनपुट में आप कैरेक्टर गेट करेंगे। सो इफ पीक इज अ ब्लैंक आर अ टैब, तो अगर कोई ब्लैंक स्पेस मिलती है या टैब मीन नंबर ऑफ स्पेसेस आपको मिलती हैं तो उस केस में डू नथिंग, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। और अगर एल्स इफ पीक इज अ न्यू लाइन, अगर वो कोई न्यू लाइन है, लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस वन, यानी वो कैरेक्टर न्यू लाइन का है लाइक दैट बैक स्लैश एन है या एंड लाइन है, तो उस केस में हम लाइन में वन प्लस ऐड करेंगे और न्यू लाइन के ऊपर हम चले जाएंगे। सो दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू दी वाइट स्पेसेस कंसेप्ट। इसमें टैब्स भी हैं, इसमें ब्लैंक्स भी हैं, इसमें लाइन्स भी हैं, और अगर इन केसेस में कुछ भी नहीं है तो फिर एल्स ब्रेक कर लेंगे, यानी कि ऑलरेडी इसका मतलब है कि आपके कोड के अंदर ये इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो बेसिकली सिंपली दिस इज स्किपिंग द वाइट स्पेस। दिस इज द सिंपल नोटेशन। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, लेट से इफ वी हैव एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 31 प्लस 28 इनटू मल्टीप्लाइड बाय x, देन द लेक्सिकल एनालाइजर द प्रोसीजर लेग्स एनालाइजर विल रिसीव दिस इंफॉर्मेशन दिस गिवन एक्सप्रेशन और इसको टोकनाइज करेगा। टोकनाइज में आप देख सकते हैं y इज एन id एंड सिंपली हियर वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस सेट। One is related to the token and second one is basically related to the token value which is actually used in your program. So this is known as the token attribute. So इसी तरह next sign है equal का, जो कि assign के तौर पर हम use करते हैं। 31 जो कि एक number है, number is 31, this is a plus जो कि symbol है plus का, और इसी तरह हमारे पास 28 है और 28 जो है वो हमारे पास बेसिकली एक नंबर है, स्टेरिक जो कि एक ऑपरेटर है और एक्स जो है वो एक आइडेंटिफायर है। ये हम इन डिटेल इस तरह की चीजें जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर देख चुके हैं। सो ये जो लेक्सिकल एनालाइजर का प्रोसीजर है ये रिसीव करेगा इस एक्सप्रेशन को और टोकनाइज करने के बाद ये फॉरवर्ड कर देगा इसको पार्सर को, और पार्स प्रोसीजर के थ्रू जो है पार्सर फिर आगे इसका ट्री जो है वो जनरेट करेगा। दीज आर दी टोकन एट्रीब्यूट्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं वी हैव अ ग्रामर विद टू डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स, फैक्टर इज अ नॉन टर्मिनल एंड इट कैन प्रोड्यूस एक्सप्रेशन विद इन पैरेंथेसिस एंड द सेकेंड प्रोडक्शन नम एंड विद सिमेंटिक एक्शन प्रिंट नम डॉट वैल्यू। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है, नंबर डिफाइन नम एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 256, टोकन रिटर्न बाय द लेक्सिकल एनालाइजर। सो फैक्टर जो कि हमारे पास प्रोसीजर है एज अ नॉन टर्मिनल, इफ लुक एट इज इक्वल टू दिस, जिस तरह के आपको ये फर्स्ट प्रोडक्शन मिल रही है तो इसका फर्स्ट आपके पास जो है सिंबल वो टर्मिनल वो ये स्टार्ट ऑफ पैरेंथेसिस है। सो इफ लुक एट इज इक्वल टू दिस स्टार्ट ऑफ पैरेंथेसिस मैच दिस दिस टोकन कॉल प्रोसीजर एक्सप्रेशन, इसको कॉल करेंगे। अब ये कंप्लीट ग्रामर नहीं है, आगे एक्सप्रेशन के भी रूल होंगे। सो आप कॉल करेंगे एक्सप्रेशन प्रोसीजर को और मैच करेंगे इस क्लोजिंग को। सो इन दिस फैशन यू हैव कंप्लीटेड योर राइट
प्रोडक्शन आर द प्रोडक्शन बॉडी ऑफ यूवर गिवन फर्स्ट नॉन टर्मिनल. इसी तरह सेकंड केस एल्सिफ इफ लुकाइड इज इक्वल टू नम दैट इज द केस प्रिंट वैल्यू ऑफ टोकन वैल्यू जो भी नंबर है आप उसकी वैल्यू यहां पे प्रिंट कर देंगे एंड मैच नम और इसको चेक करेंगे कि अपनी नम कैटेगरी के साथ के क्या ये एक नंबर है. ओके और अगर ये दोनों केस नहीं है तो कंफर्म है कि थर्ड केस है और थर्ड केस यहां पे आपको गिवन नहीं है. सो इन दैट केस यू विल रिसीव यू विल रिपोर्ट एन एरर रिलेटेड टू इट. अब हम इनको देखने के बाद इनके ऊपर बात करने के बाद अब हम कुछ स्टैक की बात कर लेते हैं कि कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन स्टैक की कैसे होती हैं और उसमें गिवन एक्सप्रेशन जो है वो आप उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं. ओके सो द जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टैक मैनिपुलेशन लाइक दैट पुश वी ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं. ये आपने मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर जो है इसको देखा होगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी देखी होगी और स्टैक से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनका आइडिया भी होगा कि पुश इंस्ट्रक्शंस आप किनको कहते हैं पॉप ऑपरेशन क्या होता है आपका इसी तरह कॉपी किसको कहते हैं आप. तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जो है इसका नॉलेज आपके पास मुझे उम्मीद है कि होगा. सो पुश वी इट मीन पुश कॉन्स्टेंट वैल्यू वी ऑन टू द स्टैक आर वैल्यू एल पुश कॉन्टेंट्स ऑफ डेटा लोकेशन एल L वैल्यू L पुश एड्रेस ऑफ डेटा लोकेशन L. ये हमें पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे हमेशा लोकेशन होती है और राइट साइड पे हमेशा वैल्यू होती है. सो पॉप मीन टू गेट समथिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक सो डिस्कार्ड वैल्यू ऑन टॉप ऑफ द स्टैक इक्वल मीन द R वैल्यू ऑन टॉप इज प्लेस्ड इन द L वैल्यू बिलो इट एंड बोथ आर पॉप. कॉपी पुश अ कॉपी ऑफ द टॉप वैल्यू ऑन द स्टैक प्लस मीन एड वैल्यू ऑन टॉप विद वैल्यू बिलो इट. ओके दो तो प्लस का मतलब उससे नीचे दो वैल्यूज है ये उनको प्लस करेगा एंड पॉप बोथ एंड पुश रिजल्ट और रिजल्ट आपको रिसीव होगा. इसी तरह माइनस केस है सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑन टॉप फ्रॉम बिलो बिलो इट के दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा पॉप बोथ एंड पुश रिजल्ट. सो दिस इज स्टैरिक दिस इज स्लैश एंड डिटो फॉर अदर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड डिटो मीन लाइक दैट अदर ऑपरेटर्स. अगर हम यहाँ पे स्टार की हम डिवीजन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्लस माइनस रिमाइंडर की लिए भी सेम ये ऐसे ही है. सो डिटो मीन सेम फॉर अदर सिंबल्स सो डिटो फॉर अदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. सो सिमिलर इज द केस डिटो फॉर रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ये उनके लिए भी हमारे पास सेम है जिसमें लेस देन है या ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल है नॉट ऑपरेटर है और एंड ऑपरेटर ये सबके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन ऐसे ही हमारे पास सेम होंगे. लेबल एल लेबल इंस्ट्रक्शंस विद एल एल नाम देंगे आप लेबल करेंगे अपनी इंस्ट्रक्शंस को. गो टू एल आप जाएंगे एक पोजीशन पे जंप टू इंस्ट्रक्शन लेबल्ड एल गो फॉल्स एल पॉप द टॉप वैल्यू इफ जीरो देन जंप टू एल ये कंडीशंस हैं. ट्रू केस में आप कब जा सकते हैं फॉल्स केस में आप कब जा सकते हैं. सो अगर जीरो मिलेगा तो आप एक पार्टिकुलर पोजीशन पे जाएंगे गो ट्रू एल पॉप द टॉप वैल्यू इफ नॉन जीरो देन जंप टू एल. तो अगर आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी तो आप गो ट्रू इंस्ट्रक्शन जो है उसको यूटिलाइज करेंगे. हार्ट मीन स्टॉप एग्जीक्यूशन एंड जे एस आर एल जंप टू सब रूटीन लेबल्ड एल पुश रिटर्न एड्रेस एंड रिटर्न मीन पॉप रिटर्न एड्रेस एंड रिटर्न टू द कॉलर. ये ऑलरेडी मेरी अजम्पशंस ये हैं कि आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज या बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी है तो इसलिए हम चलते हैं अपनी एक्सप्रेशंस के ऊपर और वहां पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड आइडेंटिफायर एल वैल्यू वर्सेज राइट वैल्यू ऑफ एन आइडेंटिफायर. इफ वी हैव द एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू फाइव and I is equal to I plus 1, so in these cases, L is a location, so I is referring to a location, and 5 or I plus 1 whole value will be generated, will represent the contents. So, the right side specifies an integer value, while left side specifies where the value is to be stored. So, R value are what we think as values, and L values are locations. Ye kuch ऑपरेशंस हैं जिनको अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने इसमें आगे एक एक्सप्रेशन जो हमारी एग्जांपल में आ रही है हम उसके ऊपर बात करेंगे. तो उसके लिए हम जो है वो इन ऑपरेशंस को यूज करेंगे. ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं वही ऑपरेशंस हैं जिनके ऊपर अभी हम पीछे बात करके भी आए हैं. सो ओके इफ वी हैव सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक दैट
डे इज इक्वल टू 1461 मल्टीप्लाइड बाय वाई मॉड 4 प्लस 153 स्टेरिक प्लस 2 एंड विद इन पैरेंथीसिस मॉड 5 एंड प्लस डी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है और इसमें जो वेरिएबल्स हैं जिनमें वैल्यू हम मेमोरी लोकेशंस हैं जिनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वन इज द डे, सेकंड वन इज द वाई, थर्ड वन इज द एम एंड फोर्थ वन इज द डी। एंड जस्ट फॉर इनिशियलाइजेशन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इन सच टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स। डे हैज वैल्यू 2, वाई हैज वैल्यू 1, एम हैज वैल्यू 2 एंड डी हैज वैल्यू -3। तो इस तरह की वैल्यूज इनके पास मौजूद हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डे इज अ एल वैल्यू, नो डाउट अबाउट दैट, अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव स्टडीड जस्ट फ्यू मोमेंट्स बिफोर। सो एल वैल्यू डे, आप एल वैल्यू में स्टोर करेंगे या वैल्यू सेंड करेंगे डे की, जो कि एक्चुअल में 2 है। और ये भी हमें पता है कि जब भी इस इक्वल की राइट साइड पे कंप्लीट एक्सप्रेशन वैल्यूएट होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो डे के ऊपर ओवर राइट हो जाएगी। So, after that push 1461, this is the first value on right side of your given expression, आपने push किया 1461 को, R value y है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, R value जो y है और इसके बाद इनका operator है। So, 1461 is a value, y is right side, right value and multiplication is an operator which actually multiplies 1461 with y. तो इस तरह से हमने इसको राइट किया है। फर्स्ट टाइम हम इन तमाम जितने भी सिंबल्स आपको टोकन्स नजर आ रहे हैं अपनी इस एक्सप्रेशन के अंदर, उनको हमने स्टैक के अंदर जो है वो हमने इसको सेंड करना है। सो आफ्टर दैट दिस 4 इसको हम पुश करेंगे और उसके बाद हम इस ऑपरेटर को यूज करेंगे। इन पोस्टफिक्स नोटेशन वी हैव यूजिंग द ऑपरेटर एट द एंड ऑफ द वैल्यूज। सो मॉड को हमने किया, उसके बाद 153 इज अ वैल्यू, इसको हम पुश करेंगे, आर वैल्यू हमारे पास एम है, इसके बाद हमारे पास स्टेरिक एन दोनों के दरमियान इसको हम यूज कर रहे हैं, फिर हम पुश 2 की बात करेंगे और उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास ऑपरेटर वो प्लस है। सो आफ्टर दैट 5 विल बी पुश एंड ऑपरेटर मॉड विल बी यूज। और इसी तरह हमारे पास इन ये फर्स्ट एक सब एक्सप्रेशन और इसी तरह ये सेकेंड ऑपरेशन एक्सप्रेशन के बाद इनका प्लस सिंबल हमें यहां पे मिल रहा है और उसके बाद दिस इज द डी, दिस इज द आर वैल्यू डी एंड यू नेक्स्ट ये प्लस जो है उसको हम यहां पे राइट करेंगे और फाइनली जो है हम इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो इस इक्वल के थ्रू जो है वो डे को असाइन करेंगे। सो इन सिंपल वे हमने क्या किया है, पूरी एक्सप्रेशन जो है उसको स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, स्टैक की ऑपरेशंस के हिसाब से हमने इनको जो है वो स्टैक के अंदर मूव किया है। अब हम क्या करेंगे, एंड वी हैव दीज वैल्यूज, डे इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 2 एंड डे इज इक्वल टू -3। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सप्रेशंस फर्दर हमने कैसे किया है। सो वी हैव टू राइट दिस 2 इनिशियली, हमने इस डे को पहले पुश किया था, इसकी वैल्यू जो है हमने वो यूज की थी, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज द 2 इन स्टैक और आफ्टर दैट 1461 का नंबर था, हमने इसको पुश किया था 1461 और उसके बाद जो है हमने इस वाई की वैल्यू जो है वो यहां पे भेजी थी, दैट इज द 1। अब इस दोनों 1461 और 1 वैल्यू के बाद हमने ऑपरेटर स्टेरिक को भेजा और स्टेरिक विल मल्टीप्लाई द वैल्यूज अप टू 8, दैट इज 1461 एंड द y, तो 1461 और 1 मल्टीप्लाई होगा इस स्टेरिक सिंबल की वजह से। तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं, 1461 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू 1461। आफ्टर दैट हमने 4 वैल्यू जो है वो उसको स्टैक में भेजा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है और उसके बाद हमने यहाँ पे मॉड ऑपरेशन को यूज किया है। सो 1461 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू मॉड वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका बेहतर अप्रोच यही है, आप इस एक्सप्रेशन, ये जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने चीजें देखी हैं या इंस्ट्रक्शंस की बात की है, उसमें आप क्या करें उसको सामने रखें, उसको राइट कर लें पेज के ऊपर और कंपेयर करते चले जाएं इसके साथ। सो दिस इज 1, तो इस कंप्लीट सब एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारे पास यहां पे 1 मिल चुका है। सो अगेन 153 हमने यहां पे सेंड किया है इसमें
ओके अब हम नेक्स्ट चलते हैं. आफ्टर दैट हमने इसमें m की वैल्यू भेजी है और m हमें 2 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज 2. और उसके बाद हम स्टेरिक ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, 153 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 306 एंड वी हैव टू राइट दिस 306 हियर. आफ्टर दैट प्लस 2, सो 2 वैल्यू विल बी पुश इनटू द स्टैक. सो आफ्टर दैट ये प्लस ऑपरेटर है, सो 306 प्लस 2 इज इक्वल टू 308. और इसी तरह 5 फिर हमने वैल्यू की है, 5 यहां पे आ गई. अब 308 को 5 पे जब हमने मॉड लिया है तो ये वैल्यू हमें 3 दे रहा है. सो इट मीन द फर्स्ट एक्सप्रेशन गिव्स यू रिजल्ट 1 एंड द सेकंड सब एक्सप्रेशन गिव्स यू द रिजल्ट 3. सो दिस इज ए प्लस सिंबल. सो बाय समिंग अप द फर्स्ट सब एक्सप्रेशन एंड द सेकंड सब एक्सप्रेशन यू विल रिसीव द वैल्यू 4. सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. सो अब ये प्रोसेस हो चुका है, अब सिर्फ d की वैल्यू हमारे पास रह गई है. हम यहां पे क्या करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज 2 एंड 4 लास्ट में जो हमें वैल्यू रिसीव हुई है, और उसके बाद 2, 4 और अब हमने d की वैल्यू पुश की है जो कि माइनस 3 है हमारे पास. सो 4 माइनस 3 रिजल्ट जब आएगा तो उसमें प्लस करेंगे तो 4 प्लस माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1. सो इन दैट फैशन वी हैव रिसीव द एक्सप्रेशंस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1. क्योंकि ये 1 वैल्यू, ये 2 तो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि डे की वैल्यू है, तो जब इस राइट साइड की वैल्यू आप असाइन करेंगे लेफ्ट को जो कि वैल्यू इसकी 1 कंसीडर होगी. ओके जी, तो इसके साथ ही ये स्टैक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. हमने सक्सेसफुली जो है वो इसको डिस्कस कर लिया है. हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है. हमने आज बात की है प्रेडिक्टिव पार्सर से, हमने बात को स्टार्ट किया था, प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन थी ये. हमने फर्स्ट की बात की कि फर्स्ट बेसिकली कंसेप्ट है क्या, फर्स्ट सेट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको फाइंड किया जा सकता है. और उसके बाद हमने कहा था कि फर्स्ट सेट में डिसजॉइंट सेट्स नहीं होने चाहिए. उसके लिए फिर हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया लेफ्ट फैक्टरिंग का, और उसके बाद हमने सेल्फ रेफरेंस का प्रॉब्लम हमने देखा और उसको रिजोल्व करने के लिए लेफ्ट रिकर्जन की हमने बात की. जब इनको प्रोसेस कंप्लीट किया, हमने डिफरेंट प्रोसीजर्स विद सोडो कोड हमने उसके देखे कि किस तरह से हम गिवन एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर अपना कोड उसको राइट कर सकते हैं. फिर हमने कुछ लेक्सिकल एनालाइजर की लिटिल बिट बात की, और एंड में हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर बात की है. तो उम्मीद है कि बड़ा बेनिफिशियल होगा आज का लेक्चर आप लोगों के लिए. तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ आएंगे. तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़.